सो आज मैं कुछ अलग मूवी लाई हूँ। अब थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं द डैनिश गर्ल इस मूवी की बात कर रही हूँ। काफी अलग मूवी है ये। एक कपल रहते हैं, दोनों भी आर्टिस्ट थे, और एक दिन पत्नी अपने पति को लड़की का ड्रेस पहनने के लिए कहती ताकि वो उनकी पेंटिंग निकाले। बस उस इंसिडेंट से उनकी पूरी लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। इस मूवी को टॉम हूपर ने डायरेक्ट किया है और मेन कास्ट है एडी रेडमिन, अलीशिया विकेंडर। इस मूवी को ऑस्कर के साथ साथ कई सारे अवार्ड मिले हैं और एडी और अलीशिया की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। IMDb भी 7.1 की रेटिंग है। कहानी है 1926 की कोपेनहेगन डेनमार्क की, जहाँ पे आइनर वेगनर और उसकी पत्नी गर्डा दोनों भी पेंटर थे। आइनर लैंडस्केप पेंटर था, जहाँ पे वो अपने होम टाउन के काफी सुंदर सुंदर नजारे निकालता था, तो गर्डा पोर्ट्रेट निकालती थी। दोनों भी एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, पैशनेट थे एक दूसरे के लिए। काम के मामले में आइनर ज्यादा फेमस था और गर्डा स्ट्रगल कर रही थी। एक दिन गर्डा को एक आदमी की पोर्ट्रेट निकालनी थी। अब वो आदमी थोड़ा शर्मा रहा था कि एक औरत उसकी पोर्ट्रेट निकाल रही है, तो आइनर वहां से चला जाता है दोनों को प्राइवेसी देने के लिए। वो सीधा चला जाता है एक थिएटर के बैक स्टेज पे, जहाँ पे कई सारे लड़कियों के ड्रेसेस गहने रखे हुए थे और उन खूबसूरत ड्रेसेस को काफी बारीकी से देखने लगता है। लेकिन तभी इनके दोस्त ओला का ध्यान इसकी तरफ जाता है और दोनों में एक मजेदार संवाद होता है कि भाई तुम पापा कब बनने वाले हो, मुझे गॉड मदर कब बनाने वाले हो। यहाँ पे गर्डा का पोर्ट्रेट तैयार होता है और अगले दिन वो अपने एक आर्ट डीलर को वो सारी पेंटिंग्स दिखाती है ताकि वो कस्टमर्स ढूंढे उसके पेंटिंग्स के लिए। लेकिन वो आर्ट डीलर सीधा मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट की काफी जरूरत है। अब निराश होकर ये घर आती है और तभी वहाँ पे उसका नेक्स्ट पोर्ट्रेट वो बनाने के लिए लग, जहाँ पे वो ओला की पेंटिंग निकाल रही थी। ओला दरअसल एक डांसर थी और एक खूबसूरत ड्रेस पहने हुए उसकी पेंटिंग उसे निकालनी थी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। वो आइनर को रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम लड़कियों के स्टॉकिंग और उसके शूज पहन के पोज करोगे क्या। वो पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में इसके जिद के कारण रेडी होता है। दोस्तों जब वो स्टॉकिंग उठाता है ना, तब इतने नाजुकी से उठाता है, खुश होता है मानो ये उसकी कोई चीज है जो खो गई थी उससे, और बड़े प्यार से उन्हें पहन के पोज देने लगता है। लेकिन फिर गर्डा वो खूबसूरत ड्रेस उसे पकड़ने के लिए कहती है ताकि वो इमेजिन कर सके, और उस ड्रेस में तो आइनर पूरी तरीके से खो जाता है। लेकिन तभी ओला आती है और काफी हंसने लगती है। उसके हाथ में लिली के फूल थे, तो वो आइनर को देती है, कहती है कि अगर इस मॉडल ने जन्म लिया तो उसका नाम लिली होना चाहिए। आइनर तो शर्मा जाती। अब अगले दिन सब लोग गैदरिंग के लिए मिलते हैं, इनकी लव स्टोरी काइंड ऑफ डिस्कस होती है। तब पता चलता है कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत दरअसल गर्डा ने ही की थी, उसी ने आइनर को कॉफी के लिए पूछा था। इतना ही नहीं, आइनर इतना शर्मीला लड़का था कि वो गर्डा को किस कर पाया ही नहीं, तो गर्डा ने उसे किस किया था पहली बार और उसे ऐसा लगा था कि मानो वो खुद को किस कर रही है। ये सुनने के बाद तो आइनर लिटरली ब्लश होने लगता है। उस रात जब दोनों भी मेकआउट कर रहे थे, तब एक अजीब चीज होती है। आइनर ने अपने कपड़ों के अंदर गर्डा की एक काफी खूबसूरत नाइटी पहनी थी, मानो इन दोनों ने अपने अपने रोल स्विच किए हैं। लिटरली इस चीज के बाद तो दोनों में चीजें बदल जाती हैं। गर्डा को नींद नहीं आती, इसके लिए वो आइनर को एक लड़की की तरह उसका पोर्ट्रेट निकालने लगती है, क्योंकि उसका चेहरा वैसे ही बहुत खूबसूरत था। 7-8 पेंटिंग्स वो निकालती है, इनफैक्ट काफी खूबसूरत लड़की की तरह वो पोर्ट्रेट बनाती है। इसीलिए अगले दिन गर्डा आइनर को लिपस्टिक और आईलाइनर लगा के उसकी पेंटिंग की मॉडल यानी एक लड़की उसकी तरह पोज देने के लिए कहती है। आइनर भी इस पर ये सारी चीजें एंजॉय करता है, उसकी अलग अलग पोर्ट्रेट निकालती है गर्डा, और उनको अगले दिन एक पार्टी में जाना था। पहले तो आइनर मना करता है, तो ये एज अ खेल खेलने के लिए गर्डा कहती है कि तुम आइनर बनके नहीं बल्कि मेरी पेंटिंग की मॉडल लिली बनके चलो, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये आइनर की कजन सिस्टर है। अब इस बात से आइनर भी खुशी खुशी रेडी होता है और फिर दोनों भी लड़कियों की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पता नहीं क्यों लिली मतलब लड़की बना हुआ आइनर, उसे स्टॉकिंग्स और हील्स बहुत पसंद थे, और वो अलग अलग लड़कियों को ऑब्जर्व करता है कि लड़कियों के हालचाल कैसे होते हैं। जब ओपनली आइनर एज अ लड़की यानी लिली बनके जाता है, तब बहुत ही ज्यादा वो शर्मा रहा था, उसे डर लग रहा था। तो गर्डा कहती कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये लोग पार्टी में जाते हैं, तब ओला भी उसे पहचान नहीं पाती, तो उसे यही लगता है कि ये आइनर की कजिन है। अब दोस्तों शहर में एक लड़की आई है, इसीलिए सारे लड़के उसे ही देखने लगते हैं, और उनके इस नजरों से लिली काफी अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन गर्डा उसे प्रॉमिस करती कि उसे वो छोड़ के नहीं जाएगी। जब वो अकेली बैठी थी, तब हेनरिक नाम का लड़का आके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, इसीलिए लिली वहां से डर के थोड़ा बाहर चली जाती है। तो हेनरिक भी पीछे पीछे आता है और उसे काफी मीठी बातें करने लगता है। वो उसे भीड़ से दूर लेके जाता है एक कमरे में और उसे कहता है कि तुम अपने जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किस करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी, और ये कह के वो सीधा उसे किस करने लगता है।
और लिली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डर जाती है कि मतलब ये क्या हुआ अचानक से, और पूछते कि तुमने किस करने से पहले मुझे पूछा नहीं। लेकिन अचानक से लिली के नाक से खून आने लगता है। लिली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो रोने लगती है। और तभी गर्डा उसे ढूंढते हुए उसे कमरे में आती है। गर्डा बहुत ही ज्यादा शॉक होती है कि भाई उसका पति किसी और आदमी को किस कर रहा है एज ए लड़की बन के, रोने लगती है। लेकिन खुद को संभालते हुए वो लिली जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी उसको संभालती है और वहां से लेके जाती है। अगले दिन काफी हार्ट ब्रोकन थी गर्डम, उसे समझ ही नहीं आ रहा था जो गेम हम दोनों ने मजाक में शुरू किया था वो इतने दूर कैसे चला गया। आइनार खुद भी कंफ्यूज था, उसका काम पे मन नहीं लग रहा था। गर्डा उसे पूछती कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वो कहता है कि मुझे किस नहीं करना था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इट्स लिली, एक ऐसा पल था कि मैं कम्प्लीटली लिली बन चुका था और उसे उस लड़के को किस करना था। गर्डा रोने लगती है ये सब कुछ सुनने के बाद, और वो कहती है कि मुझे वापस लिली नहीं चाहिए, मुझे उसे देखना भी नहीं है। वो ये भी सजेस्ट करती कि शायद तुम्हें डॉक्टर को मिलना चाहिए, लेकिन आइनार कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वहाँ से वो थोड़ा गुस्से से निकल जाता है। वापस वो थिएटर के बैक स्टेज जाता है, जहाँ पे दोस्तों वो खुद के कपड़े निकालता है, अपने शरीर को एम्ब्रेस करता है और विश करता है कि काश वो लड़की होता। और दोस्तों वैसे ही आसपास जो कपड़े रहते हैं लड़कियों के, वो उसे पहन के हेनरिक से मिलने जाता है। तो दूसरी जगह पे गर्टा बहुत ही मायूस बैठी थी, उसे पता था कि अब क्या हो रहा है उसके साथ, क्या होने वाला है। सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे उसके सामने आते हैं। लेकिन लिली के जरिए उसे पेंटिंग की एक अलग इंस्पिरेशन मिली थी, तो वो उसकी एक पेंटिंग बनाने लगती है और काफी बोल्ड पेंटिंग बनाती है, यानी न्यूड पेंटिंग निकालती है उसकी, जो काफी खूबसूरत थी। ऐसी पेंटिंग आज तक उसने नहीं निकाली थी। वो निकालने के बाद पूरी वो टूटी हुई बैठ जाती है। तो यहाँ पे लिली हेनरिक से मिलती है कॉफी पे, और उसके बाद वापस लड़कों के कपड़े पहन के वो आइनार का रूप लेके घर आती है। और गर्डा को ऐसे हालत में देख के वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसी वक्त जब आइनार लिली की पेंटिंग देखता है, तब उसमें खो जाता है, बहुत ही मंत्रमुग्ध होता है कि वो कितनी खूबसूरत है। अब दिन बीतते जाते हैं, गर्डा काफी सारी लिली की पेंटिंग्स निकाल दी है, और ये सारे पेंटिंग्स लेके वो अपने आर्ट डीलर के पास वापस जाती है। वो उन पेंटिंग्स को देख काफी ज्यादा शॉक होता है, यानी उस समय के लिए शायद ये बहुत ही बोल्ड पेंटिंग थी। उसे ये सारी पेंटिंग्स पसंद आते हैं और उसके लिए बायर ढूंढने का वो प्रॉमिस करता है, और वो पेंटिंग के मॉडल के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो गर्डा कहती है कि ये लिली है, आइनार की कजिन। ये गर्डा के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का पल था कि फाइनली उसे वो रिकॉग्निशन मिलने वाला था जिसके अब वो काफी सालों से इंतजार कर रही थी। तो दूसरी जगह दोस्तों उसकी लाइफ पूरी ट्रैक से उतर रही थी। आइनार वापस लड़की के पहराव में हेनरिक के घर उसे मिलने के लिए जाता है, और दोनों भी दोस्तों मेकआउट करने लगते हैं। उसी दरमियान हेनरिक लिली को आइनार कहता है। अब ये सुन के लिली काफी चौंक जाती है, उसे गुस्सा आता है, और वहां से वो निकल जाती है। दरअसल यहाँ पे हेनरिक होमोसेक्सुअल था, उसे काफी पहले से ही पता था कि लिली ही आइनार है, इसीलिए वो उसके साथ अफेयर करता है। लेकिन यहाँ पे लिली काफी दुखी होती है, क्योंकि उसके लिए आइनार और लिली ये दोनों भी अलग अलग पर्सनैलिटीज है। दरअसल यहाँ पे लिली ये आइनार का अल्टर ईगो था, और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से अलग थी। उसे लगता था कि वो लड़के के शरीर में ट्रैप्ड एक लड़की है, और यहाँ पे हेनरिक को आइनार चाहिए था, लिली नहीं, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और वो सेल्फ डाउट करने लगती है कि मैं वर्थ हूँ भी या नहीं, और काफी रोने लगती है, और वैसे ही घर आके डिप्रेस बैठ जाती है। उतने में ही अपनी खुशखबरी लेके गर्डा आती है, लेकिन अपने पति को वापस ऐसे देखते हुए वो भी टूट जाती है एंड रोने लगती है। लेकिन हमेशा ये लड़की यानी गर्डा खुद को संभालती है और आइनार को या लिली को सबसे फर्स्ट रखती है, और वो पूछती कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे लिली पूरी हकीकत बता देती है कि काफी टाइम से उसका और हेनरिक का एक रिलेशन चल रहा था, आइनार अपने पत्नी पे चीट कर रहा था। ये सुनने के बाद तो मतलब गर्डा वाज लाइक मतलब व्हाट इज हैपनिंग। और तब गर्डा उसे पूछती कि क्या लिली ने कभी भी मतलब किस से ज्यादा कुछ किया है क्या। तो आइनार कहता है कि नहीं, लिली ने आदमियों के साथ कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, इतनी वो आगे गई ही नहीं है। और तभी गर्डा को रियलाइज होता है इसकी बातों से कि यहाँ पे एक से ज्यादा आदमियों के साथ इसका रिलेशन था, और वो पूछती कि दूसरा आदमी कौन था। और तभी आइनार कन्फेस करता है कि इसके पहले बचपन में एक लड़के को इसने किस किया था, लेकिन तभी इसके पिता आए थे और वो गुस्सा हो गए थे। तब से आइनार ने अपनी फेमिनिन साइड बाहर नहीं लाई। अब ये सारी बातें करते हुए गर्डा उसे कहने लगती कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जिससे आइनार फ्रस्ट्रेट होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये लोग ऐसे क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था तभी इसी दरमियान वो गिर पड़ता है, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको सारी हकीकत बताते हैं कि ये खुद को लड़की मानता है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे आइनार को हर महीने पेट में दर्द होता था,
मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन डॉक्टर इसकी कोई बात नहीं सुनता, इनफैक्ट उनको लगता है कि ये कुछ अजीब ही इंसान है, शायद पागल हो रहा है, इसीलिए उसकी रेडिएशन थेरेपी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। अब डॉक्टर को लगता है कि वो ठीक होगा और उसके कुछ दिन के बाद उसे रिलीज किया जाता है। इसी दरमियान गर्डा ने निकाली हुई लिली की सारी बोल्ड पेंटिंग्स पेरिस में रिलीज हो जाती है और वो काफी फेमस हो जाती है। उसे पेरिस में इन्वाइट किया जाता है वहाँ आके पेंटिंग्स निकालने के लिए, क्योंकि लिली के पेंटिंग्स में भी वो एक बोल्डनेस था और उस जमाने के लिए वो चीज काफी ज्यादा फॉरवर्ड थी, तो लोगों को पसंद आ रही थी। और एक दिन गर्डा को हॉस्पिटल का लेटर आता है कि वो आइनार को पागल समझ रहे थे और समाज में इसकी जैसे और लोग ना आए या किसी को ये हर्ट ना करे, इसीलिए उसे लॉक करने वाले थे। अब ये सुनने के बाद तो वो काफी डर जाती है और वो आइनार को लेके पेरिस रिलोकेट होती है। वहां जाने के बाद तो आइनार अपनी खुद की आइडेंटिटी पूरी तरीके से भूल जाता है, वो सिर्फ अपनी पत्नी को हेल्प करता था पेंटिंग्स के लिए, खुद का पूरा पेंटिंग का इंटरेस्ट ही चला गया था। अगर वो जरूरत पड़े तो खुशी खुशी लिली बन जाता था ताकि गर्डा उसकी पेंटिंग निकाले। दोनों का रिलेशन अब पति पत्नी का नहीं रहा था, इसीलिए गर्डा हैंस से मिलती है जो आइनार का बचपन का दोस्त था, जो अब आर्ट डीलर बन गया था। लड़के को बचपन में उसने किस किया था दरअसल वो हैंस ही था। वो हैंस से लंच पे मिलते हैं, कहती है कि आइनार यहाँ आया है तब से अपनी राह भूल गया है, शायद उसे एक दोस्त की जरूरत है, क्या तुम उससे मिलोगे? और रात को वो डिनर का प्लान बनाती है जिसमें हैंस भी रेडी होता है। यहाँ पे गर्डा को लगता है कि अगर आइनार अपने बचपन के दोस्त को मिलेगा तो शायद वो पहले की तरह सही हो सकता है, लेकिन आइनार डिनर पे आता ही नहीं है। बेचारी गर्डा को अकेले ही हैंस के साथ डिनर करना पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पे हैंस टॉन्ट मारता है कि तुम्हारा पति ऐसे ही तुम्हें छोड़ता है क्या हमेशा। फिर एज पर प्लान हैंस को लेके ये घर आती है अपने पेंटिंग्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आइनार लिली बन के बैठा था और वो हैंस का इंतजार कर रही थी। लिली को देखने के बाद तो ये दोनों भी शॉक होते हैं, लेकिन गर्डा सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि ये आइनार की कजन लिली है, इसी की पेंटिंग्स में निकालती हूँ जो काफी फेमस है पेरिस में। दोस्तों यहाँ पे लिली आइनार के साथ लिटरली फ्लर्ट करने लगती है, उसके शादी के बारे में पूछती है, लेकिन शादी का टॉपिक जैसे आता है वो इमोशनल हो जाती है और अंदर चली जाती है। यहाँ पे हैंस को भी पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन हो रही है। दोस्तों यहाँ भी लिली हमेशा से ही अंदर से एक लड़की ही रही है, भले ही उसकी बाहर की पर्सनालिटी आइनार थी, वो सिर्फ समाज के लिए था और उसे शादी करके बच्चे भी पैदा करने थे, लेकिन उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, इसीलिए वो आज काफी इमोशनल होती है कि मुझे वो सब नहीं मिलने वाला है। काफी दिन बीत जाते हैं और आइनार अपने दोस्त हैंस से कभी मिलने जाता ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद गर्डा के पेंटिंग की एग्जीबिशन थी जहाँ पे लोग उसके तारीफों के पुल बांध रहे थे कि कितनी अच्छी पेंटिंग किसने निकाली है। वहाँ पे हैंस भी था और दोस्तों वो गर्डा को काफी पसंद कर रहा था, इसीलिए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्डा गुस्सा हो जाती है और वो मना करती है कि वो अभी भी आइनार की पत्नी है। उस पे वो कहता है कि आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हें वो फाइनली सक्सेस मिली है जो तुम होप कर रही थी, लेकिन आज भी तुम्हारे साइड में तुम्हारा पति नहीं है, वो खुद के बारे में ही सोच रहा है। ये सुनने के बाद दोस्तों गर्डा बिचारी पूरी तरीके से टूट जाती है। बाहर बारिश हो रही थी तो वो भीगते हुए ही एक जगह जाके बैठ जाती है कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसने ऐसा क्या किया था कि वो ऐसे बीच में अभी फंसी हुई है। ना ही तो वो अपने पति को छोड़ सकती है, ना ही उसे एज अ पति की तरह एक्सेप्ट करती है। भीगते हुए वो घर जाती है, वहाँ पे आइनार नहीं था, लिली थी, जिसे देख के वो काफी फ्रस्ट्रेट होती है और कहती है कि प्लीज मुझे मेरे पति से मिलना है, एक बार उसके गले मिलना है, मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ उसे, मुझे आज सपोर्ट के लिए अपना पति चाहिए। लेकिन लिली नहीं मानती, जिद करके वो वैसे ही रहती है। तो गुस्से में फिर ये हैंस के घर जाती है और उसे किस करती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी गलती है, इसीलिए वो वापस अपने घर आती है। तब फाइनली आइनार वहाँ पे था, वो उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, बट इट्स लिली। हार्डली अब मैटर करता है कि मैं किस तरह के कपड़े पहनूं, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा लिली ही रहती है। दोस्तों यहाँ पे आइनार भी अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस पूरे सिचुएशन से, इसीलिए अगले दिन वो कुछ डॉक्टर से मिलने जाता है कि इन सवालों का जवाब उसे मिले, वो वापस आइनार बन सके। लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे समझ नहीं पाता, उसे स्किज़ोफ्रेनिक या पागल समझ के उसे सलाखों के अंदर डालने का सोचते हैं। एक रात ऐसे ही आइनार डिप्रेशन में बैठा हुआ था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मन ही मन में वो अपनी जिंदगी लेने की बात सोच रहा था और वो डेट भी डिसाइड करता है। लेकिन तभी वहाँ पे गर्डा आती है और उसे समझाती है कि तुम पागल नहीं हो, चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले लेकिन तुम पागल नहीं हो, तुम्हारी एक अलग पर्सनालिटी है और तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इनफैक्ट गर्डा को लगता है कि उसके कारण ही आइनार की ऐसी हालत हुई है। वो कहता है कि नहीं, वो पहले से ही ऐसा था, आज ना कल लिली बाहर आ ही जाती। कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बाद ओला
जो इन दोनों की दोस्त थी डांसर, वो पेरिस आती है अपने शो के लिए और वो गर्डा को एक डॉक्टर के बारे में बताती है। ये दोनों भी इस डॉक्टर से मिलते हैं और फाइनली एक सही डॉक्टर के पास ये लोग आते हैं जो इनकी बातों पे भरोसा करता है। डॉक्टर ने बताता है कि आइनार जैसे ही एक और लड़के से वो मिला था जिसे लड़की बनना था, बताता है कि वो इनके सेक्स कन्वर्जन का ऑपरेशन कर सकता है जिसमें टोटल दो ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकालना और कुछ महीनों या सालों के बाद सेकेंड ऑपरेशन होगा जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। पूरे दुनिया में ऐसे दो या चार ही ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस समय में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसके कारण डॉक्टर रिस्क भी बताते हैं कि अगर शरीर ने न्यू ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो इन्फेक्शन के कारण इंसान मर भी सकता है। जैसे पहले वाला जो इंसान था वो सेकेंड ऑपरेशन के दरमियान ही गुजर गया। ये सुनने के बाद तो गढ़ा बहुत ज्यादा डर जाती है कि प्लीज मत करना, लेकिन लिली नहीं मानती, उसे एक ही होप दिखती है। डॉक्टर गढ़ा को भी बताता है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके बाद ये आपका पति नहीं रहेगा, इसकी एक नई पहचान होगी। लिली फैसला कर लेती कि उसे ये ऑपरेशन करना ही है और उसे स्टेशन पे छोड़ने के लिए हैंस और गर्डा दोनों भी जाते हैं। हैंस उसे कहता है कि मैंने पूरे लाइफ में सिर्फ काफी गिने चुने लोगों को ही पसंद किया है और उसमें से तुम दो हो, यानी तुम्हारी दोनों पर्सनालिटी उसे पसंद है, लिली और आइनार की, और वो ऑपरेशन के लिए चला जाता है। वो पूरा लड़कियों का हॉस्पिटल था। डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए वहीं पे रहने के लिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन के लिए उसके शरीर को तैयार करना था। ऑपरेशन का दिन आता है, लिली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। गर्डा उसे देखने के लिए आती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन लिली बहुत ज्यादा उसे कमजोर हो गई थी, लेकिन थैंकफुली वो धीरे धीरे रिकवर होती है। गर्डा हमेशा उसके साथ थी उसे सपोर्ट करने के लिए। आइनार से लिली बनने का जो उसका सपना था वो गर्डा के बगैर पूरा नहीं हो पाता। दोनों वापस अपने होम टाउन कोपेनहेगन में वापस आते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिली की अलग पर्सनालिटी बन गई थी। उसने अब पेंटिंग करना छोड़ दिया था क्योंकि पेंटिंग करना ये आइनार की हॉबी थी, लिली की नहीं। अब वो पूरी तरीके से लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनती थी और एक लोकल शॉप में वो जॉब करने लगती है, लेकिन गर्डा अंदर ही अंदर घुटते जा रही थी। इनफैक्ट वो एक दिन लिली और हेनरिक को मार्केट में देखती है, दोनों भी मस्त घूम रहे थे। लिली उसे समझाती है कि वो होमोसेक्सुअल है, मैं उसके साथ मेरा अफेयर नहीं चल रहा है, वो जस्ट दोस्त है। तो दूसरी जगह पे समाज के कई सारे लोग गर्डा को खरी खोटी सुना रहे थे कि इसका पति इसको छोड़ के चला गया और अब अकेली रह रही है। यहाँ पे लिली को भी पता चल रहा था कि उसके इस फैसले के कारण गर्डा को बहुत ज्यादा दुख हुआ है, वो पूरी अकेली पड़ गई है। लेकिन उसकी खुद की एक लड़ाई थी, उसके पास बस दो ही ऑप्शन थे कि अगर वो खुद को एज ए लिली एक्सेप्ट करे या फिर वो खुद की जान ले ले। अब ऐसे ही इनकी स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही थी। अब कुछ 3-4 महीने के बाद ही लिली सेकेंड ऑपरेशन के बारे में सोचती है, जिसपे गर्डा थोड़ी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारा शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ठीक से, कुछ समय दो। तो लिली साफ साफ कह देती है कि मैं अभी आइनार नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल रखना बंद कर दो, मैं मूव ऑन हो गई और तुम्हें भी अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन होना चाहिए। गर्डा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और एक दो बार वो हैंस को कॉल भी लगाती है कि शायद लिली को हैंस समझा सके, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था और लिली जिद में ही अपने सेकेंड ऑपरेशन के लिए निकल जाती है। मना करने के बावजूद गर्डा उसके साथ आती है क्योंकि उसे पता था लिली को उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये सेकेंड और लास्ट ऑपरेशन था जिसके बाद फीमेल ऑर्गन उसके शरीर में कंस्ट्रक्ट करने वाले थे। लिली बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि फाइनली वो जिंदगी उसे मिलने वाली थी जिसके लिए वो समाज से अब तक लड़ रही थी हर पल। तो दूसरी जगह पे गर्डा भी पूरी तरीके से टूट गई थी, मतलब वो इतना अनकंडीशनल प्यार करती है आइनार या लिली से, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनफेक्ट उसे पता है कि वो अकेली होने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पे हैंस आता है उसको सपोर्ट देने के लिए। ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा रिस्की था। जब अगले दिन हैंस और गर्डा दोनों भी हॉस्पिटल आते हैं तब बहुत बुरी न्यूज, लिली के शरीर ने सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया था। पूरा दिन गर्डा और हैंस उधर ही रहते हैं। कुछ एक दो दिन के बाद लिली को होश आता है, वो गर्डा को देख के रिक्वेस्ट करती कि उसको सामने के गार्डन में लेके जाए और वहां जाके लिली बहुत रोती है और फाइनली गर्डा से कहती कि पता नहीं मैंने इस जन्म या पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार मिला। और अपने एक सपने के बारे में वो गर्डा को बताती है कि कल रात मुझे सपना आया था जिसमें मैं एक छोटी सी बच्ची थी और मेरी माँ ने मुझे लिली करके बुलाया था। यानी यहाँ पे आइनार की दूसरी जिंदगी शुरू हुई थी एज अ लिली ऑफिशियली। लेकिन दोस्तों ये खुशी ज्यादा पल तक नहीं रहती और
लिली वहीं पे गुजर जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण। गौड़ा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दुखी थी। आइनर की कुछ यादें ताजा करने के लिए हैंस उसको लेके उनके होम टाउन चला जाता है। वहां पे जाने के बाद दोस्तों गौड़ा सारा नजारा देख के हैरान होती है क्योंकि आइनर की जितने भी पेंटिंग्स थी वो डिट्टो इस नजारे की तरह ही होती है। लेकिन तभी लिली का एक स्कार्फ होता है गौड़ा के पास, वो हवा में उड़ के चला जाता है। यानी यहाँ पे आइनर की नई पर्सनैलिटी जो थी वो एक आजाद हुई थी। तो दोस्तों ये थी मूवी जो रियल कहानी थी लिली एल्बे की, जिन्होंने काफी स्ट्रगल वाली लाइफ बिताई है और पूरी दुनिया में से कुछ पहले ऐसे लड़की है जिन्होंने सेक्स रीअसाइनमेंट की सर्जरी की थी। अब थोड़ा मैं गौड़ा और उनका बैकग्राउंड बताने वाली हूँ। जहाँ पे मूवी में डैनिश गर्ल एक्चुअली गौड़ा को कहा गया था, लेकिन ये नाम गौड़ा और लिली दोनों को दर्शाता है। इन दोनों की रियल लाइफ स्टोरी इस मूवी से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जहाँ 1904 में आइनर और गौड़ा दोनों की शादी हुई थी और 1910 के आसपास पहली बार आइनर ड्रेस पहन के लिली बनते हैं और तब से दोनों के रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थे। काफी सारे डॉक्टर्स तो कहते कि आइनर पागल है, लेकिन गौड़ा कभी भी उनको पागल नहीं मानती, वो हमेशा उसको सपोर्ट करती थी। मीनवाइल गौड़ा ने जो लिली की पेंटिंग्स निकाली थी, जो न्यूड पेंटिंग्स थी या वैसे, वो काफी फेमस हो जाती है और लोगों को उस मॉडल को मिलना था यानी लिली को। और तभी इनका सीक्रेट धीरे धीरे बाहर आता है कि आइनर ही लिली है और गौड़ा उसके लड़कियों की तरह पेंटिंग निकाल रही है। इसीलिए दोनों को समाज से बाहर निकाला गया था और लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। इसी दरमियान पेरिस की अपॉर्चुनिटी आती है क्योंकि पेरिस में वो पेंटिंग्स बहुत फेमस होती है। तो 1912 के आसपास ये लोग पेरिस चले जाते हैं, वहां पे काफी समय बिताते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद आइनर ना तो अपनी कुछ पेंटिंग्स निकाल रहा था और वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे गौड़ा का प्यार भी बोझ लगने लगता है। कई बार उसने खुद की जान लेने के बारे में भी सोचा था क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एक्चुअली रियल लाइफ में आइनर थोड़े फेमिनिन दिख, इसी के कारण एक दिन कुछ लोगों ने उनको काफी मारा था क्योंकि लोगों को लगा कि ये एक लड़की है जो लड़कों की तरह कपड़े पहन के आ रही है। लेकिन हमेशा गौड़ा उनके साथ थी, उनके पीछे थी और उसी के कारण वो सुसाइड नहीं करते और धीरे धीरे आइनर से वो लिली बनने लगते हैं। तो 1928 में उनकी पहली सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है। ये दुनिया के सबसे पहले लोगों में से है जिनका ये ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने लिली को एक डायरी लिखने के लिए कहा था ताकि उनको सुसाइडल थॉट्स ना आए। कहा जाता है उनकी टोटल 5 सर्जरी हुई थी 2 साल के अंतर में। पहले ऑपरेशन के बाद उन्होंने लीगली अपना नाम बदल के लिली एल्बे रखा था। सिंस अब नाम बदल दिया गया है तो गढ़ा के साथ उनका डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा था। तभी डेनमार्क के किंग ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे दोनों का डाइवोर्स किया 1930 के आसपास। उनका आखिरी ऑपरेशन 1931 में हुआ था, जहाँ पे यूटेरस ट्रांसप्लांट किया गया था उनके बॉडी में, लेकिन उनके इम्यून सिस्टम ने वो एक्सेप्ट नहीं किया और इस ऑपरेशन के 3 महीने के बाद वहीं पे गुजर जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण। यहाँ पे कहा जाता है कि लिली को हर्माफ्रोडाइट था, यानी ऐसी एक कंडीशन जिसमें इंसान का शरीर सिर्फ लड़का या लड़की नहीं कहलाता। हो सकता है कि अगर सामने वाली व्यक्ति दिखने के लिए एक लड़की जैसे हो लेकिन उसके शरीर में लड़कों की तरह शारीरिक रचना हो, वैसे ही लिली दिखने के लिए तो एक लड़का थी लेकिन उसके शरीर की रचना हार्मोन्स लड़की की तरह थे, इसीलिए उसे मंथली क्रैम्प आते थे। अब बात करते हैं बेचारी गौड़ा की। दोस्तों उनकी लाइफ तो और भी वर्स्ट हुई थी आफ्टर दिस इंसिडेंट। रियल लाइफ में उनका और हैंक का कुछ नहीं था। लिली के गुजर जाने के बाद गौड़ा ने एक जर्मन ऑफिसर फर्नांडो पोर्टो से शादी की, लेकिन उस आदमी ने तो गौड़ा को पूरी तरीके से लूट लिया, उनको पेनीलेस कर दिया और उनका डिवोर्स हुआ 1936 में, जिसके बाद वो वापस डेनमार्क आई और पेंटिंग करने लग गई। लेकिन उनकी पेंटिंग उतनी उस वक्त में फेमस नहीं हुई क्योंकि वो ट्रेंड ऑलरेडी चला गया था। फिर वो हैंडमेड पोस्ट कार्ड बेचने लग गई थी, लेकिन समाज में उनको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। वो बेचारी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं हो पाई और पैसे ना होने के कारण 1940 में एक लावारिस की तरह अपने घर में गुजर गई थी जब वो 54 साल की थी। दोस्तों इस पूरे मूवी में ना, मतलब आपको गौड़ा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मैंने जब इस मूवी की रिसर्च की ना दोस्तों, तब गौड़ा की रियल लाइफ स्टोरी सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उनकी रियल लाइफ कैसी चली ये पार्ट मूवी में दिखाना चाहिए था, क्योंकि गौड़ा ने सेल्फलेसली आइनर को और लिली इन दोनों को प्यार किया, जिसके बदले में उनकी जिंदगी बहुत ही खराब हुई। दोस्तों मेरे लिए तो मूवी की हीरोइन गौड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस करके दूसरों को प्यार किया। लिली गुजर जाने के बाद ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद उनकी जो डायरी थी वो रिलीज की गई एज अ बुक, वुमन टू अ मैन, और वो काफी ज्यादा फेमस हुई। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में लिली एल्बे, इनका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल बताया जाता है उनके कहानी में। सो ये थी मूवी द डैनिश गर्ल और उनकी रियल लाइफ कहानी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।